बीजेपी विधायकों ने 400 करोड़ रुपए के पानी टैंकर घोटाले को लेकर केजरीवाल के खिलाफ जांच की मांग की थी। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित सरकार के तहत केजरीवाल सरकार भी अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है। बीजेपी नेताओं की शिकायत और दिल्ली सरकार की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर उपराज्यपाल नजीब जंग ने एसीबी को जांच के आदेश दिए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार ने साल 2015 के जून में शीला दीक्षित सरकार के शासनकाल में दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 385 स्टील के पानी टैंकर किराए पर लेने में अनियमितताओं की सच्चाई का पता लगाने के लिए कमेटी गठित की थी। 5 सदस्यीय कमेटी का गठन दिल्ली के जल मंत्री कपिल मिश्रा ने किया था। पिछले साल अगस्त में केजरीवाल को जो रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें किराए पर पानी टैंकर लेने के टेंडर में कथित रूप से 400 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का प्रमुखता के साथ उल्लेख किया गया। विधानसभा के बीते विशेष सत्र के दौरान विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने ये मामला उठाया था। गुप्ता की मांग पर जल मंत्री कपिल मिश्रा ने सरकारी कमेटी की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था। दिल्ली सरकार ने तब ये फैसला लिया था कि एलजी के जरिए एसीबी और केंद्र के जरिए सीबीआई से भी शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जाए। दिल्ली सरकार की सिफारिश पर आखिरकार उपराज्यपाल नजीब जंग ने जांच के आदेश दिए हैं। अब मामले में कब और किस तरह से कार्रवाई की जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।